पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चूड़ामणिकृतविधुर्बलैकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलातांडवपंडितः नूतनाजलधररुचये कोपवधूटिदुकूलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय साधर्म्य का चल रहा है। सात पदार्थों का साधर्म्य क्या है? ज्ञेयत्वादिकम्। ये हो गया साधर्म्य। ज्ञेयत्व आदि से क्या लेंगे? आदिपद से। यह तो हो गया। आदिपद से क्या लेंगे? बोलिए। अजय भाई, ज्ञान तो हो गया, आदिपद से क्या लेंगे? ज्ञात्वादिकम का। हाँ, प्रमेयत्व, अविधेयत्व, वाच्यत्व, ठीक है, ये सब हो जाएगा। ये सात पदार्थों का, ठीक है। और द्रव्य आदि पांच पदार्थों का क्या है? हैं? द्रव्य आदि पांच पदार्थों का साधर्म्य क्या है? भावते सति अनेकत्वम्। दूसरा दूसरा समवायित्वम् है। तो समवायित्व का अर्थ क्या किया? समवाय संबंधिना संबंधितम्। ठीक है, ये पांच पदार्थों का क्या है? साधर्म्य। द्रव्यादि पांच का, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और क्या है? विशेष। ठीक है, अच्छा। चार पदार्थों का क्या साधर्म्य है? बोलिए। चार पदार्थ का साधर्म्य क्या है? हाँ जी। बोलिए देखकर। जोर से बोलिए ना। हाँ, पदार्थ विभाजक को उपाधि मत्तम है ना? रामेश्वर सुन रहे हो? हाँ, जी चार पदार्थों का साधन में क्या है? बोलो जोर से। बोलो क्या है श्यामदेव, कहाँ हो? अभी आवाज नहीं आई गुरुजी, थोड़ी देर। थोड़ी देर मेरी आवाज़ नहीं गई कि तुम्हारी आवाज़ नहीं आई? हाँ, अब तो गई। बोलो, चार पदार्थों का साधर्म में क्या है? बोलिए। ऐसे पढ़ोगे? नहीं लिखे क्या? उद्यन संवेत संवेत वृत्ति पदार्थो विभाजक, पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम है। ऐसा तो है, हाँ गुरु, ऐसा ना हाँ भाई? हाँ ठीक, तो ऐसे ही है। समझिए, संवेत संवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि उपाधि मतलब मत्तम। पदार्थ विभाजक विभाजक उपाधि कितना है? सात है। द्रव्यत्व से लेकर आता। के, द्रव्यत्व से लेकर के कहाँ तक? अभावत्व, ये सब क्या है? उपाधि। कौन सी पदार्थ उपाधि? विभाजक पदार्थ विभाजक उपाधि। पदार्थ विभाजक उपाधि, बराबर है। हाँ, केवल इतना आप कहेंगे पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम तो क्या दोष होगा? बोलिए।
किसका साधर में कह रहे हो? किसका साधर में चल रहा है अभी? पांचों का चल रहा है? चारों का चल रहा है अभी? चारों का अब चल रहा है ना? कौन कौन? द्रव्य, गुणा, कर्म और सामान्य, चार है ना? चार का साधर्म्य में चल रहा है। हाँ, यदि इतना कहेंगे आप पदार्थ विभाजक उपाधिमत्तम, तो कहाँ जाएगा बोलिए, कहाँ जाएगा? बाकी तीनों में भी चला जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं जाएगा क्या? हाँ जाएगा ना, तो अति व्याप्ति हो जाएगी, हो जाएगी अति व्याप्ति। अच्छा ठीक है, और केवल हम इतना कहेंगे, देखो समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम, इतना कहेंगे। क्या कहेंगे? समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम, इतना हम कहेंगे, है ना? हाँ इधर बैठो, इधर बैठो, ठीक है ना? हाँ बैठो। तो हाँ, समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि महत्तम, इतना कहेंगे, बराबर है? तो क्या दोष होगा? समवेत मतलब क्या है? समवाय सम्बन्ध से रहने वाले को बोलते हैं समवेत, नहीं? ठीक है। तो क्या दोष होगा मालूम है? देखो विशेष में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? विशेष। विशेष कहाँ रहता है बोलिए, विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में रहता है कि नहीं रहता है? तो समवेत कौन हो गया? विशेष हुआ, हाँ कि नहीं? विशेष समवाय सम्बन्ध से रहता है, रहता है। तो समवेत कौन हो गया? विशेष। उसमें रहने वाला पदार्थ विभाजक उपाधि कौन हुआ? विशेषत्व नहीं हुआ? विशेषत्व। हाँ, तो उपाधि मत कौन हुआ? विशेष हो गया। उपाधि मत्तम किस में गया? विशेष में गया। तो क्या दोष हुआ बोलिए? अतिव्याप्ति हो गया। अतिव्याप्ति हो गई। आप समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए पहला क्या कहा? समवेत। क्या कह दिया? समवेत। और समवेत जब कहेंगे तो नहीं जाएगा क्या? देखो सुनो, केवल पहले कितना करेंगे? पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम, ठीक है? इतना जब करेंगे तो कहाँ पर? चार से अतिरिक्त तीनों में जा रहा था, जा रहा था। हाँ, इसलिए समवेत वृत्ति कह देंगे। समवेत वृत्ति कहेंगे तो उसमें नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा बोलिए? अभाव में नहीं जाएगा। और कहाँ नहीं जाएगा? समवाय में भी नहीं जाएगा। समवाय में भी समवेत वृत्ति है क्या? हो समवेत है क्या? समवाय नहीं है। समवाय 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 सम्बन्ध से कहाँ रहता है? समवाय तो नहीं है। कौन नहीं है? समवाय। इसलिए समवाय में, समवाय में नहीं जाएगा, ठीक है? और कहाँ नहीं जाएगा? अभाव में नहीं जाएगा। इतना आया समझ में? आया समझ में ना? अच्छा, लेकिन समवेत वृत्ति इतना कहने पर भी, है ना, समवेत वृत्ति कह देंगे तो उसमें तो नहीं जाएगा। किस में नहीं जाएगा? अभाव समवाय में नहीं जाएगा, लेकिन विशेष में जाएगा। तो क्या दोष हुआ? अतिव्याप्ति। इस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए पहला विशेषण दिया, क्या दिया? समवेत। क्या दिया? समवेत। हाँ समवेत। और समवेत जब देंगे अब विशेष में नहीं जाएगा। समवेत तो है विशेष, लेकिन समवेत में समवेत नहीं हो। समवेत समवेत का अर्थ क्या हुआ? समवेते समवेत। आप समझ में ना?
विशेष समवेत है, समवेत है, समवेत, समवेत है, विशेष कहाँ रहता है? नित द्रव्य में। नित द्रव्य कहाँ रहता है? कहीं रहता है क्या नित द्रव्य? बोले परमाणु में समवेत, परमाणु में विशेष रहता है, परमाणु कहीं रहता है? बोले नहीं रहता है ना, है ना। आत्मा, आत्मा में विशेष रहेगा, रहेगा विशेष रहेगा, मन में रहेगा, नित्य नित्य द्रव्य में रहता है ना, आगे समझ में। हाँ, इसलिए समवाय क्या नहीं है? बोलिए समवेत, समवेत नहीं है जी, समवेत, समवेत नहीं है। क्यों नहीं है? बोले क्यों नहीं है? विशेष जहाँ रहता है वो कहीं नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? बोले क्यों नहीं रहता है? नित्य द्रव्य हो गया ना, हाँ नित्य द्रव्य हो गया है कि नहीं, तो नित्य द्रव्य होने से है कि नहीं। हाँ, नित्य द्रव्य होने से, नित्य द्रव्य तो परमाणु आदि है, उसका कोई अवयव नहीं है, ये लोग कहीं रहेगा नहीं। और आकाश आदि क्या है? आकाश आदि विभू है, वो भी कहीं रहेगा नहीं। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। तो फिर हैं, तो समवेत, समवेत कौन होगा? हाँ, जन्य द्रव्य होगा। क्या होगा? जन्य द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, द्रव्य में कैसे जाएगा? द्रव्य में ले लो, हैं, द्रव्य, द्रव्य में जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए घट हो गया, क्या घट हो गया ना, घट कहाँ रहेगा? घट हो गया समवेत, हैं, नहीं तो कपाल ले लो, कपाल, हाँ कपाल में समवेत कौन? घट, घट द्रव्य है कि नहीं? हो गया, उसमें क्या रहेगा? उपाधि कौन सी रहेगी? गुण, ये द्रव्य तो हो जाएगी, इस गुण में भी जाएगा नहीं। हाँ, द्रव्य समवेत है, है उसमें समवेत गुण है, है तो गुणवृत्ति, गुणवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि कौन हो जाएगी? गुणत्व, उपाधि मत्व गुण में चला जाएगा। आ गया। उसके बाद कर्म भी हो जाएगा, कर्म कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है, द्रव्य समवेत है, है अपने अवयव में रहेगा। द्रव्य हो गया समवेत, समवेत में समवेत कौन हुआ? कर्म हुआ, कर्म हुआ कि नहीं हुआ? कौन? कर्म, कर्म समवाय संबंध से कहाँ रहता है? द्रव्य में। द्रव्य समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? अपने अवयव में। हो गया कि नहीं? हो गया। इसी बगैर, हाँ सामान्य देखो, हाँ देखो सामान्य कहाँ रहता है? कहाँ समवाय संबंध से? बोलिए सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म में। हाँ समवेत हो गया कौन? सामान्य। हाँ वो समवेत कहाँ है? हाँ द्रव्य है कि नहीं, है ना, समझ में ये बात को। हाँ द्रव्य भी समवाय समझ रहता है, गुण भी रहता है और कर्म भी रहता है, हो गया कि नहीं? हो गया। सामान्य घटा, बोलिए कैसे घटा? समवेत हो गया कौन? समवेत हो गया कौन? सामान्य। समवेत द्रव्य गुण कर्म, उसमें समवेत हो गया सामान्य, ऐसा लो। पहला समवेत से क्या लेंगे? द्रव्य गुण कर्म, उसमें फिर समवेत से क्या लेंगे? सामान्य, है ना। उसमें रहने वाला पदार्थ विभाजक उपाधि क्या है? सामान्य। तो उपाधि मत सामान्य, उपाधि मत्तम कहाँ जाएगा? सामान्य में गया।
है, द्रव्य गुणा कर्म सामान्य, और कौन रहा विशेष, है कि नहीं? नहीं विशेष नहीं, ये तो चारों का चल रहा है, चारों का चल, विशेष तो जाएगा नहीं। ठीक है, हो गया भाई। रामेश्वर समझ में आ गया? हाँ बोलो, चारों का साधर्म क्या हुआ बोल दीजिए एक बार। बोलिए, देख कर बोलिए। पदार्थ विभाजक उपाधि की उपाधि मत्तम, ये हो गया चारों का साधर्म्य, द्रव्य गुण कर्म और सामान्य, हो गया भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो श्लोक में आएगा 14 नंबर श्लोक आधा, सत्तावंतस्त्रस्ताद्या गुणादिर निर्गुणा क्रिया, बोले गुणादि निर्गुणा क्रिया। देखो चार तो हो गया ना, अब तीनों का कह रहे हैं, सत्तावंतस्त्रयस्तु आद्या, ठीक है। हाँ तीन है पहला, तीन 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 कौन हो गए? द्रव्य गुणा कर्म, है ना? हाँ इसका क्या साधना बता रहे हैं? सत्तावंतम, सत्ता भी किस संबंध से लेनी चाहिए? समवाय संबंध से लो, समवाय ना सत्तावत्तम, ये तात्पर्य है। ठीक है, हाँ देखो ये श्लोक में जो है ना, श्लोक का जो पूर्वार्ध है, ये तीसरा पद जो है, ये श्लोक का आधा ना, ये उत्तरार्ध, तीसरा पद क्या है बोले? सत्तावंतस्त्रयस्ताद्या, ठीक है, ये तीसरा पद हो गया। ये तीसरा पद में क्या विधान कर रहे हैं भौमा चेतन जी? किसका विधान हो रहा है? साधर्म ना है? अरे भाई साधर्म का विधान हो रहा है। हाँ साधर्म में साधर्म क्या है यहाँ पर? सत्तावत्तम, ठीक है, किसका साधर्म? द्रव्य गुण कर्म का हाँ, तीन का जिसका साधर्म कहेंगे उसको बोलते हैं उद्देश्य। क्या कहेंगे? उद्देश्य। तब उद्देश्य पहले उद्देश्य होता है कि पहले विधेय होता है? उद्देश्य तो यहाँ पर क्या है श्लोक में? यहाँ हाँ विधेय है तो सत्तावत्त। फिर उल्टा क्यों कर रहे हैं भाई? व्यवहार में पहले उद्देश्य को कहते हो कि पहले विधेय को कहते हो? पहले उद्देश्य को कहते हैं हाँ, गुरुजी। नहीं देख कोई कोई हाँ बोलते हैं ना, देखो लोगों को बोलना भी नहीं आता है ना। हाँ लोग जाकर बोलते हैं, हाँ बोलते हैं कि वहाँ गया था, बोलते हैं ना वहाँ गया था। पहले कौन गया पहले बोलना चाहिए ना, वहाँ गया था। अरे कौन गया पहले बोलो ना, देखो हाँ लोग भी मर्यादा से बोल बोल देवदत्त गया कि जगदत्त गया, वो पहले बताना चाहिए ना। हाँ गया था वहाँ, फिर नहीं पूछेगा वो, उस समय बर्बाद कर रहा है, सुनने वाला नहीं पूछेगा कौन गया था मैं गया हूँ तो गया हूँ वहाँ गया था बोले तो कोई भी हो सकता है कि नहीं? समझ में कि नहीं? हो गया ना, वहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कोई बोलेगा, अरे कहाँ पर क्या हुआ पहले क्या होता है? उद्देश्य होता है पहले विधेय होता है? उद्देश्य होता है, अब विधेय बाद में आता है। तो यहाँ पर श्लोक है, श्लोक की पूर्ति के लिए बोल दिया, और क्या ऐसा समझ सकते हो? नहीं तो होना चाहिए था क्या? नहीं तो क्या होना चाहिए? हाँ, त्रयस्ताद्या सत्तावंत ऐसा होना चाहिए। हाँ लेकिन कहीं कहीं प्रयोजन हो तो विधेय को पहले बोलते हैं और उद्देश्य को बाद में बोलते हैं ना। सामदे बोलो, तुम व्याकरण पढ़े हो, बोलो बोलो, जहाँ प्रयोजन उद्देश्य बोलो तुम। प्राधान्य प्रयोग। अरे क्या पूछा, क्या उत्तर दे रहे हो? कहीं कहीं प्रयोजन हो तो विधेय को पहले बोलते हैं, उद्देश्य को बाद में बोलते हैं, कहाँ पर ऐसा बताओ? एक उदाहरण बताओ व्याकरण में। कुछ भी बोलता है, पहला सूत्र बोलो अष्टाध्यायी का,
ये गुरु जी हाँ वृद्धि रह रही थी। तो इतना सरल नहीं बोल पा रहे हो। पहला सूत्र क्या है? वृद्धि राधे। उद्देश्य कौन है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हाँ, आदेश, आदेश है ना, है कि नहीं? वृद्धि क्या है? विधेय। संज्ञा कर रहे हो ना, वृद्धि हो जाएगा विधेय, और उद्देश्य हो जाएगा उद्देश्य, ये वृद्धि हो आदेश। आ ओई ओ, आ ओई ओ की संज्ञा कर रहे हो ना वृद्धि, तो आ ओई ओ हो जाएगा उद्देश्य। विधेय कौन हुआ? वृद्धि संज्ञा, संज्ञा का विधान हो रहा है ना। तो फिर भगवान पाणि ने वृद्धि को क्यों कहा पहले? हाँ मंगलार्थम, हाँ मंगलार्थ है, मंगल प्रयोजन के लिए। महावास्य में है ना ये विचार? हाँ मंगलाचरण करना था, इसलिए महर्षि पाणिनि ने क्या कहा? वृद्धि को पहले कहा और आदेश को, नहीं तो अन्यत्र क्या होता है? जैसे अदेंग गुण में पहले क्या है? पहले उद्देश्य है, गुण बाद में होता, प्रयोजन हो तो होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर श्लोक है इसलिए बोल दिया, ठीक है। हाँ विषमत अस्मत में कहाँ, उसमें विधेय का कोई ये नहीं है, वहाँ पर विधेय की बात नहीं हो। वहाँ पर तो मंगलाचरण तो आत्मा का चिंतन से मंगलाचरण हो जाता है, वहाँ पर भाई उसका आत्मा का चिंतन करने से मंगलाचरण हो गया वहाँ पर अलग प्रसंग है। और बोलेंगे सूत्र जो कहेंगे अथात ब्रह्म जिज्ञासा में, वहाँ पर अथ शब्द का उच्चारण करने से अथवा सुनने से मंगलाचरण, अथ शब्द का अर्थ मंगलाचरण नहीं है वहाँ पर, आनंतरीय। वहाँ पर श्रवण जो है वो श्रवण से मंगलाचरण हो जाएगा, वहाँ पर अथ शब्द का अर्थ मंगलाचरण नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा भाई ये हो गया ना, आगे बढ़ा जाए। सत्तावंतस्त्रयस्ताध्याय, मतलब समवायन सत्तावत्तम, समवायन सत्तावत्तम कहाँ जाएगा बोलो? तीनों में जाएगा, द्रव्य गुणा कर्म, सत्ता तीनों में रहेगी, अन्य कहीं रहेगी? नहीं रहती है, इसमें कोई किसी प्रकार का दोष तो नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ा जाए, ये हो गया तीन पदार्थ का साधर्म्य। उसके बाद देखो नारायण बोलते हैं गुणाधिर निर्गुणा क्रिय, ये बोल दिया, क्या कह दिया? गुणाधिर निर्गुणा क्रिय, ये किसका साधर्म्य हो रहा है अभी? गुणादि करने से कितने हो गए बोले? बोले छः, गुणादि छः, द्रव्य को छोड़ दीजिए, गुणादि छः, वैशेषिक के अनुसार कहा जा रहा है ना, वैशेषिक के अनुसार कहा जा रहा है। गुणादि छः का साधर्म्य दो प्रकार से हो रहा है, निर्गुणत्वम और निष्क्रियत्वम। क्या है? निर्गुणत्वम और निष्क्रियत्वम, दो साधर्म्य हो रहा है। किसका भाई बोलो? गुणादि छः का। देखो ये जो निर्गुणत्वम मतलब क्या? गुण का अभाव, जहाँ पर गुण का अभाव हो, गुणाभावत्वम ऐसा कह देंगे। तो अभाव से क्या लेंगे आप? अभाव से कौन सा अभाव के लेंगे यहाँ पर? अभाव तो चार प्रकार का होता है, अभाव कहने से तो बुद्धि में कोई भी आ सकता है। निर्गुणत्व का अर्थ क्या करेंगे? गुणाभावत्वम, गुण का अभाव, तो अभाव से किसको लेंगे आप? अनन्य भाव को लेंगे तो क्या होगा? साधर्म्य किसका है? गुणादि छः का है। यदि आप अभाव से अनन्य भाव को लेंगे है ना, द्रव्य में जाएगा, गुण का अनन्य भाव मिलेगा द्रव्य में? मिलेगा,
कैसे मिलेगा? बोले द्रव्यम ना गुणा, बोले होगा द्रव्यम ना गुणा, तो किसमें किसका अभाव गया? गुण का अभाव गया, गया कि नहीं गया? तो क्या दोष हुआ? अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। अभाव से यदि क्या लेंगे तो अनन्य भाव, इसलिए क्या कहना चाहिए यहाँ पर? अत्यंत भाव लेना चाहिए, है ना? गुणा अत्यंत भावत्तम क्या कहेंगे? हाँ, वो भी समवाय संबंध से, ठीक है? समवाय ना गुणा भावत्तम, मतलब अत्यंत भावत्तम, समवाय ना गुणा अत्यंत भावत्तम हो गया। तो गुण का अत्यंत भाव मिलेगा द्रव्य में, हाँ कि नहीं? नहीं मिलेगा, गुण तो रहता है समवाय संबंध से कहाँ जाएगा फिर? नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा? छ में ही रहेगा, ठीक है? आ गया, ऐसा हो जाएगा, हो गया ना भाई? अच्छा, इसी बगैर क्रिया को भी ले लो आप, हाँ, निष्क्रियत्तम का अर्थ क्या करेंगे? समवाय ना क्रिया अत्यंत भावत्तम, समवाय समवाय संबंध से क्रिया का अत्यंत अभाव कहाँ मिलेगा? छ में मिलेगा, द्रव्य में मिलेगा, द्रव्य में मिलेगा नहीं मिलेगा यदि, हाँ, क्योंकि क्रिया तो रहती है द्रव्य में समवाय संबंध से, अत्यंत अभाव नहीं मिलेगा। अन्य भाव यदि लेंगे तो हाँ अधिव्यक्ति हो जाएगी। द्रव्यम न क्रिया, तो क्रिया का अन्य भाव है द्रव्य में ये समझ कर रखना चाहिए, हो गया ना? तो गुणादिर निर्गुणा क्रिया, मतलब समवाय न क्रिया अत्यंत भावोत्तम, समवाय न गुणा अत्यंत भावोत्तम, हो गया भाई? चलो अब क्या कह रहा मुक्तावली में देखो। यद्यपि यद्यपि गुण क्रिया शून्यत्वम आद्यक्षणे घटादो अतिव्याप्तम, देखो भाई अतिव्याप्ति बोल रहा है। क्रिया शून्यत्वम च गगनादो अतिव्याप्तम, देखो अतिव्याप्ति बोल रहा है। अतिव्याप्तम मतलब क्या होता है? अतिव्याप्ति दोष से युक्त को बोलते हैं अतिव्याप्तम। कहाँ क्या बोले? मुक्तावली भी नहीं है आप, क्यों मिला? यद्यपि मिला कि नहीं मिला? हाँ चलो, यद्यपि कहते हैं, देखो अतिव्याप्ति दोष बोल रहा है, किसका साधर्म में चल रहा है बोलो? गुणादिच्छयों का। क्या साधर्म में हुआ? निर्गुणत्तम निष्क्रियत्तम, संक्षिप्त से निर्गुणत्तम और निष्क्रियत्तम, ये साधर्म में हुआ है। बोल रहा है अतिव्याप्ति, बोल रहा है देखो द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी, द्रव्य में ले चला जाएगा साधर्म्य। क्यों? घट जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न क्षण में घट है निर्गुण होता है, निष्क्रिय होता है, बोलो क्या नियम है? उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, क्यों ऐसा मानते हैं? बोले क्यों मानते हैं ऐसा, क्यों मानते हैं बोलो समझे? उत्पन्न क्षण में द्रव्य निर्गुण होता है, निष्क्रिय होता है, क्यों होता है? क्या जुक्ति इनकी कि शराब पी कर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अगर बोले तो वहां भी लक्षण चला जाएगा ना? क्या लक्षण होकर चला जाएगा? अरे भाई घटपटादि जो उत्पन्न होते हैं उसी समय घटपटादि द्रव्य को निर्गुण निष्क्रिय क्यों कहते हैं, वो पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोलो। अच्छे से बने नहीं गुरु जी, वो अभी आधे पके हैं अरे भाई उस समय यदि मानोगे आप जो साप में उत्पन्न हो जाएंगे ना, कौन घट भी हुआ और गुण भी हुआ, तो घट कारण हो पाएगा समवाय कारण किसका? गुण का। उत्पन्न युगपत
युगपद उत्पन्न होने वाले दो पदार्थ में क्या नहीं होता है? कार्य कारण भाव नहीं होता, ये इनकी युक्ति है। एक साथ दो सिंह उत्पन्न हो गए, हाँ तो कौन कार्य कौन कारण, है ना? आप समझ में आया? ये इनकी युक्ति है, इसलिए घट, हाँ कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा। कारण का क्या लक्षण है? कार्य नहीं आता पूर्ववर्तितम, हाँ तेरे गुण क्रिया बाद में उत्पन्न होंगे, घट पहले उत्पन्न होगा, ये इनका कहना है। आगे ये इनकी युक्ति है, अब समझ में आया? इसलिए घट जिस समय उत्पन्न हो रहा है वो द्रव्य है कि नहीं है? द्रव्य है, लेकिन निर्गुण निष्क्रिय है बोलिए ना, उत्पन्न क्षण में नहीं है क्या? वही तो कह रहा हूँ आपको, द्रव्य लेकिन है कि नहीं वो, हैं? द्रव्य तो है लेकिन उसमें निर्गुणत्व निष्क्रियत्व गया कि नहीं गया, तो क्या दोष हुआ? अति आपति मतलब जन्य द्रव्य में, कहने का मतलब क्या है? जन्य द्रव्य में, जन्य द्रव्य भी द्रव्य ही है ना, इसलिए जन्य द्रव्य में घट घटा दो कहने से जन्य द्रव्य दो, जन्य द्रव्य ले लो, है ना? हाँ अतिव्याप्ति हो गई, क्यों भाई हो गया ना? दूसरा भी ले लें तो देखो, क्रिया शून्यतम गगनादो अतिव्याप्तम बोल रहा है, गगनादि आदि से क्या लेंगे? काल दीक और आत्मा, है ना? ओहो कौन है भाई, है ना? गगन आकाश समय जी ओम नोड़ा है, अच्छा हाँ हाँ आ रहा है, ठीक है आ रहा हूँ सुन, ठीक है बुला रहे आएंगे। तो ये देख लो, हाँ कहाँ चला गया, ठीक है थोड़ा सा कर लेते हैं, चलेंगे। क्रिया शून्यतम च गगनादौ अतिव्याप्तम, गगन काल आगे क्या है, देख आत्मा, कितना हो गए? चार। ये द्रव्य है क्या? क्या है फिर? द्रव्य नहीं था तो क्या पूछ रहा फिर भगवान? द्रव्य नहीं तो क्या है भैया? द्रव्य है ना, मतलब नित्य द्रव्य ले लो, नित्य द्रव्य हो गया ना, और विभू ले लो, नित्य विभू पदार्थ, ये तात्पर्य विभू द्रव्य है कि नहीं? तो उसमें क्रिया है क्या? उसमें नहीं है, क्रिया शून्यत्व चला, क्रिया नहीं है तो निष्क्रियत्व साधारण में गया कि नहीं गया, है ना? तो हो गया, तो कहाँ कहाँ पर हुआ? उत्पन्नकालीन जन्य द्रव्य और विभू नित्य द्रव्य, चार हो गया साधारण में, हाँ चला गया वो तो अतिव्याप्ति हो गई। ये बोल रहे देखो, यद्यपि गुणक्रिया शून्यतम आद्य क्षण घटादो अतिव्याप्तम, दूसरा क्रिया शून्यतम च गगनादो अतिव्याप्तम, गगनादि में भी लक्षण चला गया तो साधारण में चला गया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तथापि फिर भी जो है, तथापि मतलब फिर भी गुणवत् आवृत्ति धरवत्तम, कर्मवत् आवृत्ति धरावत्तम, ये क्या कह दिया आगे पढ़े तो क्या है? कर्मवत् आवृत्ति, हाँ हाँ पदार्थ विभाजक उपाधिमत्तम च तदर्थ, यही अर्थ करना चाहिए। किसका भाई? निर्गुण निष्क्रिय का, निर्गुणोत्तम निष्क्रियोत्तम का ये अर्थ करेंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगा। थोड़ा बुला रहे हैं, थोड़ा मैं जाता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।